नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल न्यूज से। अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बड़े बड़े मीडिया घरानों से लेकर पत्रकार तक सब इसे शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि महबूब अली ने बीजेपी को धमकी देते हुए ये कहा है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इसलिए अब उनका राज खत्म हो जाएगा। बीजेपी आई टी सेल हेड अमित मालवीय ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए ऐसा ही दावा किया है। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। बिजनौर पुलिस ने इस मामले में महबूब अली के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया और कहा कि इस वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। लगभग हर बड़े मीडिया संस्थान जैसे ANI, PTI, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, ABP लाइव, ETV भारत, द हिंदू, लाइव मिंट, आज तक, इंडिया TV, टाइम्स ऑफ नव भारत, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने भी ऐसे ही दावे के साथ रिपोर्ट पब्लिश की कि महबूब अली ने BJP को धमकी दी है। पत्रकार राहुल शिवशंकर ने अपने एक ट्वीट में इसी तरह का दावा किया। इन सब के अलावा आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह ने अपने अपने शो में कुछ इसी तरह का दावा चलाया। महबूब अली ने चुनावी भाषण के दौरान मुसलमानों की आबादी का हवाला देकर एक बड़ा दावा किया। महबूब अली की माने तो मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है और मुस्लिम आबादी बढ़ने का मतलब है BJP की हार। आखिर मजहब के नाम पर महबूब अली जैसे नेता अपनी सियासी दुकान कैसे चला रहे हैं, देखिए। पर यह है कि समाजवादी पार्टी नेता महबूब अली के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। धार्मिक बयान जो था, धर्म के मुद्दे पर वोट मांगना, इसके खिलाफ जो बातें कही जाती हैं उसके बावजूद अलग अलग पार्टियों में यह सुनाई देता है। अब मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर खुशी इस बात की कि BJP इसीलिए हार जाएगी। अब सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बात कहने के कारण महबूब अली पर अब FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन असलियत कुछ और ही है। महबूब अली ने BJP को किसी तरह की धमकी नहीं दी है। उनके बयान को दरअसल गलत तरीके से शेयर किया गया और इसे मीडिया चैनलों ने भी चला दिया। ऑल न्यूज ने महबूब अली का पूरा वीडियो खंगाला। हमें मालूम चला कि उनके बयान को पूरी तरह से उलट दिया गया है। दरअसल उन्होंने बिना किसी संगठन का नाम लिए ये कहा था कि कुछ लोग झोला लेकर आएंगे और कान में ये कहेंगे कि सावधान रहो, मुसलमानों की आबादी अब बढ़ रही है, आने वाले दिनों में तुम्हारी सत्ता खत्म हो जाएगी। आइए पहले महबूब अली का ये पूरा बयान सुन लेते हैं। हर व्यक्ति मुल्क में अमन चाहता है, हर व्यक्ति मुल्क में शांति चाहता है, हम भाईचारा मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, अमन परस्ती से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ जाओ अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे, ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर रहे हैं, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाल्लाह हम आएंगे जरूर। तो जैसा कि आपने देखा, महबूब अली ने यह कहा था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है कहकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने इस बात के लिए बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि गुमराह करके देश को चलाने वाली ये जान लें कि देश की जनता अब जाग गई है। कुल मिलाकर महबूब अली का एक अधूरा वीडियो गलत संदर्भ के साथ शेयर किया गया और ये पहली बार नहीं हुआ है। ऑल्ट न्यूज़ ने पहले भी कई मौक़ों पर यह देखा है कि पक्ष और विपक्ष के नेताओं के वीडियो को अधूरे और भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जाता है।